बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र का स्पेशल मिसल पाव। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो मैंने यहाँ एक टोप में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े ऑनियंस को पीस लिया है जीरा के साथ, और उसे डायरेक्टली हमें ऑयल में डाल देना है और इसे हल्के से 2 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अनियंस को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसका जो कलर चेंज हो जाए और साइड से ऑयल रिलीज़ हो जाए उतना ही इसे पकाना है। अनियंस जब इस तरह के दिखने लगे तब इसमें हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से पक जाने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें 3 बड़े टमाटो का पेस्ट डालेंगे और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और स्क्रीन पे दिए हुए पल्सेस को ना मैंने रात भर भिगाया था, 1.5 कप लिए थे मैंने, और इसे पानी डाल के 5 सीटी में मैंने इसको बॉईल करके ले लिया है। बॉईल हो जाने के बाद ये भी हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। और उसी मिक्सचर में से मैंने 2 टेबलस्पून निकाल के मिक्सी में पीस लिया था ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। वैसे ये सारे जो पल्सेस है वो आपको स्टोर्स में डायरेक्टली मिल जाएंगे, आपको बस ये कहना है कि मिसल में जो डालते हैं ना पल्सेस उसका मिक्सचर दे दीजिए। आप क्वांटिटी में 1/2 किलो, 1/2 किलो, जो भी क्वांटिटी में आपको चाहिए वो जो स्टोर कीपर है वो दे देगा। मैंने यहाँ पे 1/2 किलो यूज़ किया है। अब आपको जिस हिसाब से पानी चाहिए इसमें, आपको जितना गाढ़ा चाहिए या पतला चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और इसे ढक कर 5 मिनट तक बॉयल कर लीजिए। इसमें अच्छे से बॉईल आ जाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून छोले मसाला और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा महाराष्ट्र का स्पेशल मिसल बन के रेडी है। टू बी ऑनेस्ट इसको एक्चुअली उसल कहेंगे, जब हम इसमें जो फरसान वाला मिक्सचर होता है ना वो ऐड करेंगे तब ये हो जाएगा मिसल। तो हम तो बेसिकली मिसल ही बना रहे, वो हम बाद में ऐड करेंगे सर्विंग के टाइम पे। और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही फटाफट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो लास्ट में मैंने इसको कोरिएंडर मतलब कोथमीर से गार्निश किया है। आप लोग भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये हम यहाँ फैमिली के साथ में मिसल पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे फरसान रखा हुआ है ना वही मिसल मिक्स होता है, उसे हम ऐड करते हैं और उसके ऊपर फिर ये ग्रेवी ऐड करेंगे और फिर इसे ऑनियन और कोरिएंडर से गार्निश करेंगे, साथ ही में लेमन ऐड कर देंगे और पाव के साथ इसे एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।